यार देखो, कुछ साल पहले मैं क्रिकेट ऑल स्टार खेलने के लिए गया और वहाँ पे दुनिया के 25 बड़े नाम थे और वो हम लोग वहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। और शेन और सचिन, ये दोनों ने ये खिलाड़ियों को बुलाया था, मैं भी उस ग्रुप का हिस्सा था। तो वहाँ पे उस वक्त भी मैंने एक ट्वीट की थी, मेरा ख्याल 4 5 6 साल हो गए हैं। पाकिस्तानी और इंडियन फैंस जो थे ही वही, और कोई नहीं था इस क्रिकेट को फॉलो करने वाले, सिर्फ पाकिस्तानी इंडियन फैंस थे अमेरिका में। और पाकिस्तानी और इंडियन ने दोनों फ्लैग को स्टिच कर किया हुआ था, ये नहीं कि हाथों से पकड़ के, दोनों को स्टिच करके ऐसे पकड़ा हुआ था। फिर अगले मैच में बाकी जो फ्लैग है ना, वो भी उनके साथ लगने शुरू हो गए। तो फिर मैंने ट्वीट किया था कि ये सिर्फ क्रिकेट और एंटरटेनमेंट नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ें समझा रही है, दिखा रही है। इसका साइन ये है कि पूरी इंसानियत को जोड़ रही है क्रिकेट। और ठीक है, हम लोग मैच खेलते हैं तो डिफरेंट एंगल्स होते हैं, इमोशन, जज्बात, अपने कंट्री के साथ चलते हैं, बट ये एक मोहब्बत का, इंसानियत का पैगाम भी दे रही है। तो आई थिंक कल की जो पिक्चर है उसमें सारी चीज़ें जो है ना, बड़े अच्छे तरीके से। सर, ये बाबर ने डीआर टोन डाउन किया तो कितना प्राउड फील होगा कि कैप्टन बाबर इस तरह भर के आगे आए हैं, टेंशन को काफ़ी कम किया इस बार? क्या मतलब, मैं सवाल नहीं समझा। मतलब जितनी टेंशन क्रिएट होती है पाकिस्तान इंडिया मैच को लेके, उसको काफ़ी कम किया है इस मूव ने। करना चाहिए, ठीक है, ये एंटरटेनमेंट है, खेल है, दोनों मुल्कों के आपस में मैच होते हैं, एक जज्बात अटैच होते हैं, मुल्कों को सपोर्ट किया जाता है, बट इट्स एंड ऑफ द डे इट्स अ गेम, इसको इन्जॉय करना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ सारे खिलाड़ी, खासतौर पे पाकिस्तानी इंडियन तो कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोशिश हो रही है दुनिया में मोहब्बत का, लव का, केयर का, काइंडनेस का मैसेज दिया जाए। इसीलिए हमारे खिलाड़ी जो हैं वो इंडियन प्लेयर्स के पास भी जाते हैं और इंडियन भी आते हैं, तो ऐसी वो बात नहीं है। आई थिंक इट्स ए ग्रेट मैसेज। भाई, इंडियन टीम 6 बजे ट्रेनिंग कर रही है, हमने कल भी 4 बजे की है और आज भी 4 बजे, तो नुकसान नहीं होगा क्योंकि कोई हम एक ट्रेनिंग मिलती जो मैच कंडीशन पे होती, क्योंकि मैच जो इवनिंग में है? देखें, हमारे भी इवनिंग सेशंस हैं और करेंगे हम लोग, तो आई थिंक हम लोग इतनी छोटी छोटी चीज़ों में वो इतने सॉफ्ट नहीं है, ये सॉफ्ट नेचर के भी नहीं, खिलाड़ी को टफ ही होना चाहिए। और मेरा ख्याल है मौसम भी इतना बुरा नहीं, आवाज़ चल रही है, आपके बाल उड़ रहे हैं, मेरी दाढ़ी हिल रही है, तो ये मौसम इतना अच्छा है, कोई पसीना वसीना आया भी नहीं हो आपको। थैंक यू।